हिस्ट्री क्लास 12th, नाम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एमबीबीएड, डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल एज एस एस नागसेनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड की बुक्स अभी हमने नहीं पढ़ी तो थी, तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट जो फर्स्ट है उसके भी तकरीबन 3 यूनिट हो गए, एक ही यूनिट रहा है, और ये जो थर्ड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट थर्ड है उसके भी 3-4 यूनिट हमने क्लियर कर लिए हैं, पढ़ा लिए हैं, और ये किताब हमने अभी नहीं पढ़ाई है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 5वां है ये, और टॉप यूनिट का नाम है एग्रेरियन रिलेशंस एंड अकबरी। क्वेश्चन है ये, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एन अकबरी। एन अकबरी क्या थी? एन अकबरी इज ए वैल्यूएबल बुक बाय अबुल फाजल, ए कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर। तो अकबर के दरबार में अबुल फाजल नाम का एक राइटर था, हिस्टोरियन था, जिसने अकबर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। इट वाज कंप्लीटेड इन 1598। उसने 1598 में इस किताब को लिखा, क्लियर किया, मतलब कंप्लीट किया। ड्यूरिंग द 42 साल की हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रूल, 42 साल अकबर के रूल के बारे में लिखा है। इट वाज द थर्ड एमिनेंट बुक ऑफ हिस्ट्री इंटाइटल्ड अकबरनामा, रिटन बाय अबुल फाजल। तो ये अबुल फाजल ने लिखी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकबरी वाज टू डिलीनेट सच ए पिक्चर ऑफ एम्पायर ऑफ अकबर वेयर ए स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास मेंटेन सोशल हारमोनी एंड कॉशंस। बिसाइड इट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ अकबर गवर्न हिज एम्पायर। तो एन अकबरी जो किताब अबुल फाजल ने लिखी है उसमें उसने डिटेल से उसकी रूल्स के बारे में, एम्पायर के बारे में सारा कुछ दिया है। इट वॉज कंपाइल्ड एज ए कंपेंडियम ऑफ इम्पीरियल रेगुलेशंस एंड ए गजेटियर ऑफ द एम्पायर। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश इन 3 पार्ट्स। तो इसको इसकी ट्रांसलेशन रेजिमे भी हुई है, इसके 3 पार्ट्स हैं इस बुक के। द फर्स्ट पार्ट वॉज ट्रांसलेटेड बाई हेनरी ब्लोचमैनन। तो ब्लोचमैनन ने जो फर्स्ट पार्ट है उसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया एट कलकत्ता इन 1873। द टू अदर पार्ट्स ऑफ दिस बुक वर ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई एच एस जॉरिट एट कलकत्ता रिस्पेक्टली इन 1891 एंड 1894। तो ये एन अकबर के बारे में ब्रीफ अकाउंट था। दूसरा क्वेश्चन है जो कि टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है, वट आर द प्रॉब्लम्स इन यूजिंग द एन एज ए सोर्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग एग्रेरियन हिस्ट्री, हाउ डू हिस्टोरियन डील विद दिस सिचुएशन। एन अकबरी वॉज रिटन बाय अबुल फाजल इन 1598 CE। ही हैड रिवाइज्ड इट फाइव टाइम्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर्स। उसने 5 बार इसको रिपीट किया था कि कहीं कोई गलती ना हो। ही कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड ऑल हिज इंफॉर्मेशन विद एन एक्स्ट्रा कॉशन। तो उसने सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा कॉशन के जरिए दिए हैं। ही वेरीफाइड एंड क्रॉस चेक्ड ऑल द ओरल टेस्टिमनीज बिफोर दे आर इंक्लूजन इन हिज बुक। तो उसने वेरीफाई किया है सारा कुछ, टेस्ट करके लिखा है, प्रूव करके। इन फैक्ट ही वांटेड टू मिनिमाइज द चांस ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल एरर्स। तो जो किसी प्रकार की गलती ना हो उसने बार बार इसको रिपीट किया है। हाउएवर मैनी हिस्टोरियंस हैव फाउंड सम प्रॉब्लम इन दिस बुक। लेकिन बहुत से हिस्टोरियन ने इस बुक में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव फाउंड आउट मैनी एरर्स इन टोटलिंग। तो उन्होंने देखा कि टोटलिंग में बहुत से एरर थे। सेकंडली क्वांटिटेटिव डाटा हैज़ नॉट बीन अनफॉर्मली कलेक्टेड। तो क्वांटिटेटिव जो डाटा जो था वो क्लियर नहीं था ऑफ ऑल द प्रोविंसेस। फॉर एग्जांपल अबुल फाजल हैज़ नॉट गिवन द कास्ट कंपोजिशन। तो उसने कास्ट कंपोजिशन के बारे में क्लियर नहीं किया है ऑफ ज़मींदार्स इन बंगाल एंड उड़ीसा। थर्डली ही हैड नॉट गिवन एनी विजुअल
पैरामीटर्स इन द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एंड वेजेस। तो प्राइस एंड वेजेस के बारे में भी पूरा पैरामीटर नहीं दिया है, प्राइस क्या थी, वेजेस क्या थी जो एम्प्लॉय थे। ही बेस्ड हिज असेसमेंट ऑन द डाटा दैट ही गॉट फ्रॉम आगरा। टू गेट राइट ऑफ द ड्रॉबैक्स द हिस्टोरियन यूज ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो हिस्टोरियन ने बहुत सी किताबों का मुताला किया दैट दे फाउंड इन गुजरात, राजस्थान, महाभारत इन द 17th and 18th centuries। दे हैव ऑल्सो कम अक्रॉस मैनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच थ्रो ए लाइट ऑन द आगे इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।